हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। मेरे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी आई है, नर्सरी टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। सैलरी काफ़ी अच्छी जो है आप लोगों को मिलने वाली है, और यहाँ पर थंबनेल में आप सैलरी देख रहे हैं NDT टीचर्स की जो है यहाँ पर, और PRT टीचर्स की 32,000 से भी अधिक यहाँ पर मिलने वाली है। TGT और PGT में आप देखें 48,000, 52,000 जो है सैलरी रहेगी। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो PGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, IT, और उसके बाद जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश और हिंदी, ये दो टीचर्स के सब्जेक्ट हैं। साथ में गेम्स टीचर का, कंप्यूटर साइंस जो टीचर्स की वैकेंसी है। प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। नर्सरी में यहाँ पर दो बार नर्सरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक तो है परमानेंट टीचर्स की और दूसरी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की है, क्लर्क की है। लैब अटेंडेंट में भी जो है आपको दो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक है परमानेंट लैब अटेंडेंट की और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है और परमानेंट बेस पर भी है। तो सभी राज्यों के कैंडिडेट जो आवेदन कर सकते हैं, और जहां लगता है कि कोई भी फीस नहीं लगने वाली है तो बिल्कुल आवेदन करना ही चाहिए। कोई भी आपत्ति नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन आपकी है। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले मेन वेबसाइट पर चलेंगे एयरफोर्स स्कूल की, जहां से विज्ञापन जारी हुआ है। एयरफोर्स स्कूल बारकपुर से ये वैकेंसी आई है, और यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ रेगुलर बेस पर भी वैकेंसी, और कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि पोस्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है। जैसे हम बात करें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायोलॉजी PGT के लिए, तो ये जो है रेगुलर बेस पर वैकेंसी है और पे स्केल तो काफ़ी अच्छा ही है। PGT, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड IT, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इसके लिए जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है और फिक्स्ड सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स हैं उनकी भी जो है फिक्स्ड सैलरी है। उसके बाद जो है TGT में इंग्लिश और हिंदी और साथ में गेम्स टीचर्स की, ये रेगुलर बेस पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो टीचर्स हैं उनसे अधिक सैलरी जो है रेगुलर बेस पर जो टीचर्स रखे जाएंगे उनकी रहेगी। TGT कंप्यूटर साइंस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, 33,000 फिक्स्ड सैलरी रहेगी। PRT में दो वैकेंसी हैं, रेगुलर बेस पर है ये वैकेंसी। नर्सरी टीचर्स की जो है रेगुलर बेस पर वैकेंसी है तीन, उसके बाद जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जो है टीचर्स को रखा जाएगा नर्सरी टीचर्स में। स्पेशल एजुकेटर की एक वैकेंसी है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। उसके बाद अकाउंटेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, ये तीनों पोस्ट जो हैं रेगुलर बेस पर रहेंगी। मल्टी टास्किंग स्टाफ, जहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, कुछ जो है इनको रेगुलर बेस पर फिल किया जाएगा और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ में बीएड होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में 50% अंक आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर PGT मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है आप देखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के जो कैंडिडेट हैं बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ लिखा है कि बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर तो पढ़ी हो, ठीक है। उसके बाद जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो इन सब्जेक्ट में। PGT, IT, इसके लिए जो है कंप्यूटर साइंस या IT में BE या BTEC आपका होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा जो है आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। BSc कंप्यूटर साइंस वाले, MSc कंप्यूटर साइंस वाले, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd आपका कंपलसरी है। उम्र यहाँ पर 21 से लेकर 50 वर्ष रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो है इनको 5 साल की जो है अधिकतम छूट आयु में दी जा रही है। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन का जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जो पहले एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा चुके हैं बट अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर आयु में जो है छूट दी जाएगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में, और
बीएड होना चाहिए, 21 से 50 वर्ष उम्र, और एज रिलैक्सेशन जो है वही वुमेन को, फिजिकली चैलेंज्ड जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट, ठीक है। पीआरटी के लिए जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% अंकों के साथ में, और पीआरटी में भी जो है बीएड मांगा गया है। नर्सरी ट्रेंड टीचर्स के लिए यहाँ पर 12th के साथ में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए, बाकी चीज़ें सब सेम है, एज वगैरह। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड अगर आपने जनरल बीएड भी किया है तो 1 साल का जो है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 12th साइंस स्ट्रीम से आपका पढ़ा होना चाहिए। उम्र जो है वो सभी में समान है, 21 से लेकर 50 वर्ष, ठीक है। और आयु में छूट भी जो है सभी में समान है कि वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को 5 साल की छूट। नेक्स्ट, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बीकॉम और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, और नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की, हेल्पर यानी एमटीएस के लिए। तो यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, उम्र यहाँ पर अलग है 21 से लेकर 40 साल। अब कैसे जो है वो अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर। यहाँ पर नीचे आएंगे आप, और नीचे आप लोगों को ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिस एंड क्वालिफिकेशन, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ के बताई है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखना है। सबसे पहले इसको करेंगे डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन भी है, तो इसे डाउनलोड करेंगे और प्रिंट निकलवा के इसे आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे भेजना है, तो बाय पोस्ट ही जो है आप लोगों को भेजना होगा। एड्रेस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर, पोस्ट ऑफिस बंगाल, एनेमल नॉर्थ 24, ठीक है, पिन कोड 7431 22। ये एड्रेस रहेगा। एनवलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, 17 जनवरी 2024 जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी भेजने की, तो समय से पहले ही जो है वो भेज दें अगर आप भेजना चाहते हैं। एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी आपको लेनी है, उनके नीचे जो है अपने साइन करने हैं, जिससे वो हो जाएंगे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है। उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके और एनवलप के अंदर रख के और भेजना है। फीस यहाँ पर कोई भी नहीं लग रही है आप लोगों की, ठीक है। और बाकी और भी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पूरी बताई है, बट अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक बार जरूर इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है सिलेक्शन कैसे होगा ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब रिटन एग्जाम तो मेरे ख्याल से नहीं है, मात्र इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट की जो है कमांड आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्ट आप में आप लोगों को पढ़ाना होगा, उसी से संबंधित जो है प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये लिंक जो है मेन वेबसाइट का यहाँ पर भी आपको लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी जो है सैलरी के साथ ये वैकेंसी निकाली गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं या फिर अपने सब्जेक्ट में कमांड अच्छी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।